हाँ चलो देखो क्या करना है, इसे फैक्ट राइज करना है। क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले एक्स के एस से पहले पुट करो, सिंपल इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। तो भाई हम जीरो वन टू एक्सेट्रा तुम पुट करके चेक करोगे। पहले मैं पुट करना है इस बराबर, डेफिनेटली जीरो हो जाएगी। जो क्या है फोर एक्स यहाँ वन आ जाएगा, प्लस 27 और 4 क्या हो जाएगा? 31। प्लस कर लो 31। आंसर क्या हो गया? 0। मतलब फैक्टर है इसका, फैक्टर है तो करना पड़ेगा फैक्टर। किसका फैक्टर है? x बराबर 1 बराबर में क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इक्वल में 0। ये जो पावर 4 की इक्वेशन है हमारी, इसे क्या करना है? पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसे डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 1 से। हमें क्या मिल जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन। कैसे कैसे मिलेगी? ओके बाकी बात भी बताता हूँ, पहले इतना करते हैं। फॉर एक्स की पावर 4 माइनस 12x क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 27x। ये जो तीन हमारे लिए रुके पड़े ना, तीन आंसर आ रहे हैं। अरे क्या पावर 4 है तो आंसर 4 चाहिए, ठीक है? तीन कभी नहीं आ सकते, ध्यान रखिए। अगर पावर 5 होती तो आंसर 5 आएंगे, 10 होगी तो 10 आएंगे, 50 होगी तो 50 आएंगे, ठीक है? डिपेंड करती है पावर, ठीक है? नहीं मत बोलिए कभी तो आएगा x माइनस 1, ठीक है ना? तो 4x की पावर 4 क्या है? यहाँ पे क्या है? x किससे कर दूँ? 4x की पावर 4 हो गया प्लस नाइन माइनस 4x क्यूब, जो प्लस है माइनस माइनस है, कट गया ना? ओए इधर देख लो, प्लस माइनस माइनस 4 हो गया 8x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब है ना? यहाँ पे क्या है? माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस है तो प्लस, प्लस है कट गया, 27 में 9 कितने बचे? 18x माइनस 18। हमें पास x है, क्या हमारे पास x, हमें क्या चाहिए? 18x मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? प्लस 7 18x माइनस पे प्लस है माइनस कट जाएगा 0। हमारे पास क्या मिले? क्यूबिक इक्वेशन। क्या मिले? क्यूबिक। अब इसमें भी x वैल्यू पुट करो जिससे कोई इक्वेशन क्या हो जाए? 0। डिवाइड करेंगे तो मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल में 0। x वैल्यू क्या पुट कर दो? 2 कर दूं? x बराबर कर दिया 2, पुट करो 4 यहां पे 2 का क्यूब माइनस 8 2 का स्क्वायर माइनस 9 2 प्लस 18 इक्वल में 0, सही है ना? 2 का क्यूब 8 और 4 8 जा 32 माइनस 2 का स्क्वायर 4 8 4 जा 32 9 2 जा 18 प्लस 18 18 इक्वल में 0 प्लस 32 32 कोई जरूरत नहीं है, कितना आ गया? 0 आ गया 0। अब क्या पुट करने पाया? x बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 2 इक्वल में 0। पूरी इक्वेशन डिवाइड करो इससे, 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल में 0। x माइनस 2 से डिवाइड करो किससे? x माइनस 2 से। यहाँ देखो क्या है? 4x क्यूब है यहाँ पे, 4x क्यूब यहाँ पे क्या है? x, मतलब किसने करना पड़ेगा? 4x स्क्वायर देखो, मैं ना कर दो 4x क्यूब प्लस माइनस 4 2 जा 8x स्क्वायर, प्लस से माइनस माइनस से कट गया, सही है, सही कट गया। इधर डाल दो माइनस 9x प्लस 18, और भी तूने यहाँ गलती करी थी, माइनस 9x है ना, हमें पास x है, मतलब किसने करना पड़ेगा? प्लस कर दिया था, ठीक है ना? प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, क्या क्या? अब मैं मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी मिली?
क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर माइनस 9 ये है ना बराबर 0 क्या हुआ 2x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b 2x प्लस 3 2x माइनस 3 तो आंसर ये हो गए और एक आंसर हमारा ये रहा x माइनस 2 और ये आंसर का उधर साइड है x माइनस 1 आगे चार आंसर हो गया सॉल्व इसी बेस पे सॉल्व करिए ठीक है और बायोलॉजी वालों कराने का बस एक नियम था हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए फिर फिजिक्स में सबसे कॉमन नियम किसी चीज के है तो एक मेरे अगर मैं बोलूं तो बोलो मत यार तुम्हें बोलना तुम आगे बोलो मैं बाद में बोलूंगा यार जब आवाज ज्यादा देने का आते बहुत ज्यादा पेन होता है गले में तो लगभग 4 से 5 दिन से पेन हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं और तुम बीच में बोलोगे फिर डिस्टर्बेंस होता है फिर मजा नहीं आता ठीक है चलिए पढ़ा रहा हूं मुझे मजा आ रहा है इस वजह से उस चीज को दिमाग में तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो तुम्हारे एक ही मकसद था भाई क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कैलकुलस प्रॉब्लम ये नहीं है कि भैया लॉजिक्स लॉजिक्स मेरा काम है मैं समझा दूंगा अरे यार अनोखा एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के हमने जो एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल देखे तो फिजिक्स समझाई जा सकती है कॉन्सेप्ट समझा दूंगा बट कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ती है ये सब सिखाने का हमारे एक ही मकसद है क्या आना चाहिए तुम्हें कैलकुलस कैलकुलस में तुम्हें बता दिया पहला एक्सपीरियंस पावर बढ़ा दिया मैंने सेकंड क्या बढ़ाया एक्सपेंसिव पावर बेसिक मैथ में बोर्ड मार्क्स पढ़ा दिया डिवाइड रूल पढ़ा दिया ये सब पढ़ा दिया पॉलिनोमियल्स में आए हम पॉलिनोमियल्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हमने ठीक है उस दिन भी आज भी करे हैं सेकंड टॉपिक कोऑर्डिनेट्री कोऑर्डिनेट्री मैं 15 मिनट लूंगा खत्म कर दूंगा इससे बड़ा टॉपिक नहीं लेना कोऑर्डिनेट्री में फिर अगला हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैंने बहुत अच्छों को पढ़ा भी रखा है बहुतों को नहीं पढ़ाया कभी ठीक है तो जिसे पता है यार थोड़ा बहुत चिल रखना बेसिक से चलूंगा मैं ठीक है बट आप क्वेश्चन कहना मतलब नंबर वन क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है मतलब दिमाग सच में ऐसा लगेगा तुम्हें मजा आ रहा है यार क्वेश्चन करके रियली बता रहा हूँ ठीक है चाहे वो बच्चा 10th का हो चाहे 12th का हो चाहे 11th का हो ठीक है डेफिनेटली क्वेश्चन में मजा जरूर आने वाला ठीक है बट हाँ शुरू के समथिंग हाफ एन आवर थोड़ा बेसिक सी चीजें चलेंगी जो अभी तो 11th वालों को और खासकर 12th वालों को मैंने पढ़ा रखा है ठीक है और जैसे कि तुम्हें पता है 11th वालों को हमेशा बोलता हूँ अपडेटेड वर्जन मिलता है अगर तुम देखना तो आज साथ में मिलना जब मैंने पिछले साल 11th का बैच पढ़ाया था याद हो तुम्हें 3.3 पढ़ाई होगी जितने भी क्वेश्चन थे लॉन्ग पैटर्न में थे याद है वो जो क्वेश्चन तुम्हें कराया था साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x तुम अपने जो तुम्हें कराया हुआ देखना कितने कम से कम एक पेज का क्वेश्चन था अभी 11th वालों से मिलना उनके दो लाइन में भी खत्म हो गया क्वेश्चन ठीक है और उसका फोल्डर भी ड्राइव कराया मैंने ठीक है ना तो ये ना टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती हैं ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जैसे तुम जब इंट्रो पेज मेरा बैचिक टाइम बैठे हो तो यार गलती यहाँ पे मेरी नहीं है जी होती है ना टाइम टू टाइम नॉलेज बढ़ती चली जाती है ठीक है तो उस टाइम में जब तुम्हें याद हो तुम्हें कम से कम 60-70 पॉइंट ले पाए होंगे मान लीजिए इस तरह दिखाई देगा 12th में बट इस वाले पैसे पूछना है कम से कम 108-110 पॉइंट ले पाए मैंने ठीक है सब सामने बैठे हो डेढ़ वाला जो अगला बेस मेरा आने वाला है इससे बेस्ट ही मिलेगा उसे ठीक है बट हाँ तुम्हें भी बेस्ट कम नहीं है तुम्हारे लिए जो सीधे जो क्वेश्चन लोगों को लगेंगे 4 दिन करने मतलब 4 दिन मिनी है 10 मिनट 5 मिनट तुम उसे 2 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो अभी तुमने जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे 11th क्लास अगर तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते तो नॉर्मली कम से कम 2 से 3 मिनट लगते बट अच्छा मैंने अगर क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं करने बिना सॉल्व करें तो आप सब बता सकते हो उसका उतना बड़ी तो नहीं थी ठीक ना मैथ में इसमें देना लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है लॉजिक्स और प्रैक्टिस जिस बच्चे ने दो चीज़ कर ली भाई मैथ से एक अलग लेवल का इंटरेस्ट बन जाएगा और तुम्हारी लाइफ बना देगा गारंटी है ठीक है क्योंकि लाइफ में तुम्हें कोई भी इंसान किसी फील्ड में सक्सेसफुल है ना वो हमेशा इस चीज़ कहता है कि भैया मेरा मेंटल हेल्थ अच्छी है क्यों योगा किया जाता है बायोलॉजिकल हेल्थ के लिए हमारे बॉडी हेल्थ के लिए और मैथ की जाती है माइंड की हेल्थ के लिए और हमेशा ध्यान रखना अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है या अपना नाम बनाना है सिंपल सी बात तो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है सोचना कैसे बोलना कैसे कहाँ भी चीज़ें वो सभी तुम मेंटली ही करोगे ठीक है तो मैथ जो है तुम्हारी मेंटल पावर को ही बढ़ाएगा थिंकिंग पावर को बढ़ाएगा ठीक है इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ अगर ये दुनिया जब डिजाइन करी गई होगी ना गारंटी यार मैथमेटिक्स से डिजाइन करी गई जो इतनी जो चीज़ें सिस्टमेटिकली चल रही है तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाई गई तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाया जाता है बताया जाता है यार ये चीज़ यहाँ पे सही यहाँ पे गलत है 99% केमिस्ट्री में एक चीज़ें होती है बट कभी देखना क्या तुम्हें फिजिक्स में मैथ में बोला गया ये चीज़ें पीछे लगती आगे अलग है ये चीज़ बता दिया जाए ये है तो लाइफ टाइम ये है वो चेंज नहीं होना ठीक है ना बस ये चीज़ नीड रखो यार लॉजिक समझो प्रैक्टिस करो 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करके लाना इसको ठीक है ज्योमेट्री मतलब क्या है सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का ठीक है कुछ हम कोई डाटा लेते हैं अब मान लो मैंने कहा जितने बच्चे हैं सबका एवरेज बता दो
मैथ में क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। या मान लो मैंने ग्राफ बनाया कि मान लो अभी कितने बच्चे बैठे हैं, 250 बच्चे बैठे हैं मेरे पास। अब कोई कह रहा है कि भैया अब बताओ इंटरेस्ट लेवल बच्चों का कितना है मैथ्स का, ठीक है। तो अब वहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, अब मैं क्या करूँ, एक एक बच्चे का लिखूँ भाई इसका 30% का, 40% का, 50% नहीं है ना। मैं कहता हूँ ग्राफ बना दूंगा, क्या बना दूंगा, ग्राफ। ये एवरेज एक्सप्रेशन है, से हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक ग्राफ ऐसा ही रहता है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल टॉप पे है मैथ ही जिंदगी और कुछ नहीं हमारे, ठीक है। इसको ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डाटा का। से ग्राफ भी पढ़ रहे हो, ग्राफ में आगे बढ़ोगे पैराबोला, क्या बढ़ोगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, याद है ना। ये सभी डायग्राम्स पढ़ेंगे, इनकी इक्वेशन पढ़ेंगे, सर्कल, इन सब की इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, से तुम्हें पढ़ा बताओ कि तुम्हें एस टी ग्राफ पढ़ाया है, एस टी ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एस टी ग्राफ से, एस टी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, स्पीड या वेलोसिटी, और बीटी ग्राफ से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, एडी ग्राफ से क्या मिलेगा, चल, क्या मिलेगा, चल, बट तुम्हें चल कभी पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। तो अगर बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं ग्राफ। ग्राफ्स क्या होता है, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डाटा का। बट जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे दो टाइप्स के ग्राफ पढ़ेंगे, एक क्या प्लेन ग्राफ, एक पढ़ेंगे 3D ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, प्लेन 3D, ठीक है। एक्स एक्सिस ग्राफ बोला जाता है और एक्स वाई जेड ग्राफ, ठीक है। क्या बोला जाता है, एक्स वाई जेड। ये जो जितनी भी चीजें हैं, एक इसमें 3D में है, से मैंने लाइन खींचा है, एक इसमें 2D में, ये लाइन हमारी 2D में, ये अनदर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है इसमें 3D में। तो क्या बोला जाता है, हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस हमारी क्या होती है, वर्टिकल। बोले ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली लाइन क्या होती है, वर्टिकल। ये हमारी हमारी हॉरिजॉन्टल, ये हमारी हो गई वर्टिकल। तो अगला कौन सा सबसे बड़ी गलत फहमी रहती है बच्चों की, मैंने बहुत बार बच्चों ने मेरे से पूछा भैया इधर x जाएगा इधर x डैश आएगा, भाई कोई संविधान लिख दिया है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग दिखाना है, ओनली क्या दिखाना है, अलग, सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डिपेंड नहीं करता तुम किधर x लगा रहे हो और किधर x डैश लगा रहे हो, आप इधर x लगा सकते हो, इधर x डैश लगा सकते हो, दैट्स योर चॉइस। तुम इधर x लगा दो, इधर x डैश लगा दो, ठीक है। किताबें ज्यादातर इसे एक्स से दिखा देती है, एक्स डैश दिखा देगी, बट जाके कुछ पढ़ दो ना, उसका मीनिंग ढूंढा करो, ऐसा ही क्यों है। तो ये एक्स एक्स डैश क्यों दिखाया जाता है, दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, डिफरेंट, दोनों चीजें अलग अलग हैं हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका क्या बोलेंगे, वाई वाई डैश, ठीक है। अच्छा तुम्हें लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, याद हो सबको पढ़ाया लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर में जब मैंने आपको क्या पढ़ाया होगा, साइन कन्वेंशन पढ़ाया होगा, साइन कन्वेंशन पढ़ाया ना, कहाँ वैल्यू प्लस आती है, कहाँ माइनस आती है। तो वहाँ पे तुम्हें क्या बताया, सिंपल एक चीज बताया, बीच में तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, अगर तुमसे ऊपर कुछ भी जा रहा है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव। तुम्हारे राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो लेफ्ट में जा रहा है तो, अरे लाइट में नहीं, जिंदगी में कहीं ग्राफ बनाना है, हर जगह लगता है, कहाँ लगता है, कहाँ ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, राइट में रहोगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव। समझ में आया ना, मतलब इधर हमारा पॉजिटिव, इधर हमारा, इधर हमारा, इधर हमारा। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या दिखाना है, कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। मतलब जब हम वैल्यू दिखाते हैं इसमें एक्स को वाई को में दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं एक्स को वाई को में, ठीक है ना, एक्स को पहले एक्स आएगा हमेशा जिंदगी में, ध्यान रखना पहले कौन आएगा, एक्स, फिर कौन आएगा, वाई। इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, इसकी वजह से साइन क्या हो जाएगा, हो गया ना। आगे हम थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसमें आगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसमें पीछे वालों में आवाज नहीं जा रही क्या, कौन से में,
थर्ड में एक्सपेल कैसी है? माइनस। एक्सपेल कैसी है? माइनस। साइन कैसा हो गया? माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। एक्सपेल कैसी है? माइनस। एक्सपेल कैसी है? माइनस। या प्लस माइनस हो गया ना? जो ना इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन या सेंटर पॉइंट। क्या बोला जाता है? सेंटर पॉइंट। किसे करते हैं? 0, 0 इसे क्या जाता है? 0, 0 से। समझ आया? ये हमारे क्या हो गया? 2D ग्राफ। क्या बोलेंगे इसे हम? 2D ग्राफ। क्योंकि कितने वेरिएबल है इसमें? कितने वेरिएबल है? दो। कितने वेरिएबल है? दो। एक एक्स और एक वाई। चार नहीं है। ये जो एक्स डैश वाई डैश ओनली डिफरेंट अपॉन अ साइन। ठीक है, अगर हम इसका क्या बनाते हैं? 3D ग्राफ बनाते हैं। क्या बताते हैं? 3D एक्स वाई जे। कितने वेरिएबल आ जाएंगे? 3। देखो ये हो गया हमारा 3D ग्राफ। एक्स वाई जे। ठीक है, इसका भी साइन कन्वेंशन देखा जाता है बड़े नंबर हो गया आफ्टर 12th क्लास में। ठीक है, इसके लिए वो 3D इमेजिनेशन नहीं कर पाते। मेन चीज है जैसे अभी तुम्हें बताया था मोशन पढ़ा रहा था मैं। मोशन मैंने क्या बोला? 1D में पड़ेगी, 2D पड़ेगी, 3D पड़ेगी, 4D पड़ेगी। बट 1D 2D हमें फील कर पाएंगे, बट 3D 4D हम क्या करेंगे? ओनली क्वेश्चंस करेंगे, फील नहीं कर पाएंगे। बट आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे फील करने की। ठीक है, एक मिनट बंद करिए। हमारा हो गया 2D एंड 3D ग्राफ। ठीक है, हम क्या करते हैं? सिंपल यार, अभी तो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, बट जरूरी नहीं है इक्वेशंस को ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए। हम अदरवाइज किसी भी डाटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटसेट्रा। जैसे कि तुमने एक्सेल चलाया हुआ फोन में, ओ सॉरी लैपटॉप में, या जैसे एक्सेल में क्या करते हैं? कोई भी हम टेबल बनाते हैं, कोई भी इक्वेशन दे देते हैं, ग्राफ बना देता है उसका ना। ग्राफ भी हमारे अनदर टाइप्स होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ हो गया, रेक्टेंगुलर ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, और सर्कुलर ग्राफ हो गया। होते हैं ना बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। ज़्यादा बेसिकली इसमें नहीं जाने वाले हैं, अब एक कोई ले लूँगा हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले तुम करोगे उसके बाद में करोगे।